कचरे के डब्बे से उठा के लाया। अरे ये 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग का। मेरा हाथ में 10 रुपए। देख मारा ये किसके अंदर है तू? एक ही चीज साफ करने आती, मेरे जेब से पैसे सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं पिछले 10 मिनट से मारा और उमेश को पुकार रही हूँ, दोनों भी बाहर आ नहीं रहे, तो मैं पहले अपनी कॉफी फिनिश करती हूँ फिर दोनों की क्लास लेती हूँ। अरे तो उमेश और मायरा यही। ओए मायरा कहाँ पर है? मायरा ये किसके अंदर है तू? मारा ऐसा लग रहा है कांगरू का बेबी है। मैंने जैकेट बांध लिया, अभी हम दोनों एक है। उसको मजा आ रहा है क्या? मारा बोल रही है मेरा पापा क्या करता रहता है दिन भर मेरे साथ। उमेश अब उसको बाहर निकाल, आज का दिन बहुत बड़ा है, अपन को तैयार भी होना है। पापा और मायरा भी सो जाएंगे। चलो अभी सो जाओगे? ऐसे ही सो जाओगे? तो मम्मा आज क्या है? आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, यानी उमेश की नानी का बर्थडे। तुझे पता है नानी का जन्म इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलने से पहले यानी 25 फरवरी 1947 को हुआ है, और घर में नानी सबसे बड़ी थी तो नानी का कभी ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, इसलिए पूरा परिवार नानी को दे रहा है सरप्राइज और हम सब करने वाले हैं पार्टी। ये मतलब मायरा फर्स्ट टाइम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, मतलब मायरा का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके फिर हमको थोड़ा टाइम मिलते हैं, बाय मम्मा। उमेश क्या कर रहा है मालूम है? साफ सफाई कम, और ये देखो ये कुर्सी तभी वहाँ पर थी, वहाँ से हिला के अभी यहाँ पे रख दी है। हेलो, मैं साफ सफाई कर रहा हूँ, तेरे जैसा नहीं, ठीक है? कर कर, अच्छी बात है। देखो अभी मेरे को बात कर रही थी ना, ये क्या है? ये घड़ी क्या अक्षता? तो अक्षता ने जब न्यू घड़ी ली थी ना, तो अक्षता कैसे बात कर रही थी? हाय उमेश, कुछ नहीं। कहाँ था? मैं तुझे 2 दिन से ढूंढ रही थी, 2 दिन से। तू कहाँ था? मैं तेरे घर में गई थी, तेरी मम्मा से नहीं मिली। और अब देखो बेचारी घड़ी मेरी स्विच ऑफ हो रही है। सुनना जरा साफ सफाई कर ले, वैसे ना तुझे सिर्फ एक ही चीज साफ करने आती, मेरे जेब से पैसे। फाइनली हम घर पे आ गए हैं। ये सारे बलून्स हम जब गए थे तो मम्मी ने फुगा के रख दिया, और मम्मी केक भी शाम तक आ जाएगा। आज तेरे पैर दुख रहे होंगे। पैर क्यों दुख रहे होंगे? तूने काम तो पड़ता नहीं है, आज तूने बहुत काम किया है। मम्मी मेरे को रोस्ट कर रही है, कैरी भी नट है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। यस, तू मुझे व्लॉग में रोस्ट कर जा, तो मम्मी तुझे रोस्ट कर। वैसे ये देखो अक्षता लेके आ गई है बहुत फूल, तो मेरा फूल गोभी फूल ले आया। और देखो अक्षता इतनी सारी चॉकलेट्स भी लेके आई, जिसमें से और ये चॉकलेट मिलेगी अगर बची तो। बची तो अक्षता से। अरे अक्षता अभी गाना गाएगी, जाने कहां मेरा फिगर गया जी, अभी तो यही था बिगड़ गया जी। जाने कहां मेरा फिगर गया जी, अभी तो यही था बिगड़ गया जी। अभी हमारे सारे बलून फुलाके हो गए हैं और yes! उमेश अब बलून लगाएगा। लेकिन उमेश उससे पहले जरा अपना नाड़ा तो संभाल ले जरा। मामा ये नाड़ा नहीं है, ये मेरा चड्डी होल्डिंग डिवाइस है। फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी, अड्डी नहीं फड़ेगी चड्डी। चड्डी होल्डिंग डिवाइस संभाल के रख, कहीं डिवाइस ही ना गिर जाए। तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी फूल तोड़ने के लिए स्पेशली हमने मेरी बहन को बुलाया, छोटी बहन को। फूलों का तारों का सबका कहना है, गॉड ऐसे क्यों लग रहा है मेरी बेइज्जती होने वाली है। वही होने वाली है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 किलो की मेरी बहना है। अभी 1000 किलो की हूँ ना, अच्छा काम तो करूँ।
आपको कचरे के डब्बे से उठा के लाया। अरे कचरे के डब्बे से उठा है ठीक है, बट ये देखो ना, देखो अच्छा अब ये लोग कमेंट करके बताना यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे ना सेम सलमान दिखती है, यहाँ से देखोगे ना सेम जॉन अब्राहम दिखती है, और यहाँ से देखोगे ना तो सेम एनाबेला की डॉल दिखती है। भैया बस करो ना, रुको रुको, 100 रुपए ले लो आप। क्यों 100 रुपए क्यों? अपना मुंह बंद करो ना, कितना बोलोगे। ये मायरा देखो एंजॉय कर रही है बलून के साथ। देखो ये वाओ, ऐसा लग रहा है अभी मायरा उड़ जाएगी। मायरा उड़ जाओ। Later that same evening. तो हम चारों हो गए हैं ready. Oh sorry, हम 4.5. Yes, 4.5. मायरा सबसे पहले ready हो चुकी है। पर अक्षदा सच्ची अच्छी लग रही है। मैं नहीं, मायरा गजब बेइज्जती है। मेरे वाला सच्ची अच्छी लग रही है हमारी मायरा। तो अभी हमने पूरा घर सजा दिया, गेस्ट आने ही वाले, हमारी सबसे बात हो रही थी कि वो ऑन द वे है। yes. तो एक काम करते, गेस्ट आने से पहले हमने जो डेकोरेशन किया उनको वो तो दिखाते हैं। तो मायरा डेकोरेशन कैसे लगा मेरे बेटू को? बहुत अच्छा लगा। और मामा आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस डेकोरेशन में? मुझे इस डेकोरेशन में सबसे अच्छा जो तूने 75 लिखा है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। और अक्षता तुझे सबसे अच्छा क्या लगा ये तो बता। वो जो वहाँ पे केक रखा है ना। क्या खा रहे हो? इतना सा भी दूसरों को नहीं दूंगा। अरे पहले मैं तो खाऊं। ये मायरा एक्साइटेड है कितनी। मायरा यस पार्टी टाइम। तो सारे गेस्ट आ गए हैं यहाँ पे, और नानी भी शायद बाहर आ चुकी है। हाँ बाहर आ चुकी है। तो मैं सबको ये बांट रही हूँ। हाँ ये क्या गोभी? कैबेज है। वाओ गोभी, गोभी है ज़्यादा नहीं रही, ये फूल है। तो नानी जैसी सब्जी बनाना है, सब्जी बनाना है। नानी जैसी एंटर करेगी तो उनके ऊपर फूल बरसेगा। अरे चलो चलते हैं। ओ, नानी आ गई है बर्थडे गर्ल, और मम्मा भी आ गई है। अब नानी के लिए पूरा सरप्राइज है। वाओ चलो नानी। ये सब क्या नाटक कर रहा है? अभी क्या था सब रोने का? मैं भी रोना चालू करता हूँ। ये 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग का। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे भाभी आप क्यों कर रहे हो ये? कौन करेगा, तू करेगी? आजा। जिसको कचरे से उठाया वो करेगा। किसको कचरे से उठाया? जा पूछ क्या। उमेश ए, मैं नहीं करने वाला। मैं क्यों करेगा? मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। देखो मैं पूछती, रुको आप बताओ साफ सफाई कौन करेगा? कौन करेगा? मैं सबको पूछ लेती हूँ, कौन करेगा सब बताओ मुझे। बस अच्छे से साफ करो, पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं देंगे।
हमारे के डांस करने का स्टाइल देखो। ये खाना कैसा है? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। तो अब हम एक गेम खेलने वाले, ठीक है? गेम क्या है मैं तुझे बताता हूँ। ये ले, तेरे पास एक है बिंदी, ये बिंदी तुझे जाके इस गधे पे लगानी है। गधे पे ही लगानी है? हाँ, गधे पे लगानी है। यार कितना इजी है यार। मैं गधा है। ऑब्वियसली आप तो क्या बोलते हैं पूरे घर में? नानी आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? इसलिए कि मेरा गधा। और एकदम सीधा गए। अरे भाई ये तो फटाफट गई। अरे मामा फाइनली गधे से शादी हो गई तेरी। अब हमें समझ गए तुझे फ्यूचर में गधा मिलने वाला है। मैं जीत गई हूँ। हाँ। मैंने एक साथ दो गधों पे बिंदी लगाई है, एक जो वीडियो ले रहा है, एक जो उधर है। तो आज के दिन तो सारे गेस्ट ने बहुत एंजॉय किया। सारे गेस्ट चले गए हैं। और आज का पार्टी हो गई है हमारी, पार्टी हो गई है। और आज बहुत ही टायरिंग डे था, बहुत ज्यादा। आज हमने नानी को हमारे घर में ही रख लिया एक्चुअली, और नानी को भी हम थोड़े दिन हमारे घर में ही रखेंगे। तो नानी कैसा लगा आज का? कैसा लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, सभी चीज अच्छा लगा। अरे खूब था, किसी ने नहीं किया, आज तो ने किया मेरा। वो अच्छा लगा ना तुझे? मैंने भी सोचा था कि ऐसा मैं बना, मेरी बेटी ऐसा करेगी। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा, ये ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमारे लिए प्रे करो, ऐसे दिन हमारी लाइफ में हमेशा आते रहे।